अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी राधा मोहन जी ने। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट की थी एसेंशियल ऑयल्स पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं और ये कहाँ से इसको बनाया जाता है, इसका जो भी फॉर्म होता है उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है जिसके ज़रिए से इन ऑयल्स को बनाया जाता है, ये कितने बेनिफिशियल होते हैं, किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सिचुएशन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास दो ही एसेंशियल ऑयल्स हैं, एक मेरे पास पहले का था और एक अभी मैंने परचेज़ किया है, तो उन दोनों की मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी और ये मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं इस बारे में बताऊंगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वरना कहीं और से ही परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक आपको नहीं दूंगी, वरना लोग यही सोचते हैं कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंक मैं आपको नहीं दूंगी, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये कंपनी का नाम मैं बता दूंगी, प्राइस बता दूंगी, सारी डिटेल्स मैं बता दूंगी, आप वहाँ से चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप और भी कोई कंपनी के, काफ़ी कंपनियों के आते हैं, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मार्केट में काफ़ी तरह के फेशियल ऑयल्स भी आते हैं, तो फेशियल ऑयल जो आपकी स्किन पर इफेक्ट देते हैं उनसे 75% ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो छालें होती हैं, फल होते हैं और फूल होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं और जो फलों के यहाँ तक के जो छिलके होते हैं उनसे का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको निकाला जाता है, वो बिल्कुल ही प्योर होता है, 100% नेचुरल होते हैं, इनमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। लेमन एसेंशियल ऑयल होता है, वो लेमन के जो छिलके होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा करके बनाया जाता है लेमन एसेंशियल ऑयल। ये भी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ये आपके हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हर प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ये आप बाहरी ऊपरी त्वचा पर ही यूज़ कर सकते हैं, आपको इसको, ये ऑयल है लेकिन आपको इसको खाने या पीने में इस्तेमाल नहीं करना है, बाहर से ही यूज़ करना है। तो ये जैसे कि मैं बता रही हूँ ये 100% नेचुरल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको इसको जब भी आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो सिर्फ 1 ड्रॉप यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा लाइट स्मेल वाले प्रोडक्ट में यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, वरना ये एसेंशियल ऑयल रिएक्ट कर जाते हैं और आपकी स्किन पर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं देंगे, इनके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसा एलोवेरा जेल लें जिसमें बिल्कुल भी स्मेल ना हो और कलर्स ना डाले गए हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कोई भी ऐसी क्रीम लें जिसमें स्मेल ना हो और किसी भी तरह के कलर या फिर मतलब केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया गया हो, तभी इनके जो अच्छे इफेक्ट हैं ज़्यादा वो आपको मिल पाएंगे, आपकी स्किन को मिल पाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ 2 एसेंशियल ऑयल हैं और एक एसेंशियल ऑयल है जो कि मैंने 9 से 10 महीने पहले परचेज़ किया था। आप सोच सकते हैं इसकी सिर्फ 1 ड्रॉप ही यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि प्योर एक्सट्रैक्ट होता है। इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर ये रेड हो सकती है, आपकी स्किन पर जलन होगी बहुत तेज़। तो आपको सिर्फ इसकी 1 ड्रॉप यूज़ करनी है, वो भी ऐसे प्रोडक्ट में डाल करके यूज़ करनी है जिसमें स्मेल ना हो, किसी भी तरह की कलर ना हो, केमिकल्स कम से कम हो। आप इसको डे में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी टोनर है, जैसे कि आप गुलाब जल यूज़ करते हैं तो उसमें आप इसकी एक गुलाब जल की जो बोतल है उसमें इसकी एसेंशियल ऑयल की 8 से 10 ड्रॉप डाल करके रख लें और उस रोज़ वाटर को डेली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो भी एसेंशियल ऑयल के जो बेनिफिट हैं वो आपकी स्किन पर मिल जाएंगे। अब एसेंशियल ऑयल आपको अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आपको एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स हैं तो आप T3 ऑयल का यूज़ करें। अगर आपको अपने स्किन के शेड को कुछ टोन लाइट करना है तो आप सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें। अगर आपको सन टैन हो गया है, सन टैन की प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं तो लेमन एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अगर आप अपने स्किन के रूटीन में अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो उससे 75% स्ट्रॉन्ग होते हैं एसेंशियल ऑयल, मतलब 75% बेटर रिजल्ट देते हैं आपको।
तो इसको अगर आप एक बोतल भी लेते हैं ये आपकी बहुत टाइम चल जाएगी। मैंने 9 से 10 महीने पहले लिया था रयाल का सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। ये 100% प्योर और नेचुरल है, 30 ml की बोतल है और 389 इसका प्राइस था, और उसके साथ डिलीवरी चार्ज भी 40 rupees समथिंग मुझे देना पड़ा था। तो अभी इसको ये इतना ही हुआ है, इतना अभी ये इतना और बचा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपको सिर्फ 1 drop यूज़ करनी पड़ती है। आपकी स्किन पर आपको बहुत तेज़ जलन महसूस होगी। इसकी स्मेल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्मेल वही है जो चंदन में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए कह रही हूँ आपको सिर्फ 1 drop ही यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। इस तरह से देख सकते हैं कलर ये है इसका, और आपको 1 drop ही यूज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और एक मैंने अभी मंगाया है तो पैकेजिंग में दिखा देती हूँ, देखो इस तरह की होती है, इस तरह की पैकेजिंग आती है इनकी। और ये इस तरह से मुझे परचेज हुआ है, ये कैप इसके साथ लगी आती है, और अगर आप चाहें तो फिर इसको भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ये है कि इजीली आप ड्रॉप के हिसाब से ले सकते हैं, इससे आपका वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगी। ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। तो अब इन दोनों के मैं बेनिफिट बताती हूँ, कम से कम ये दोनों आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके पास T3 एसेंशियल ऑयल भी होना चाहिए। तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ये मैंने इसीलिए परचेस किया है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट यही रहती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट है, तो उनके पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ज़रूर होना चाहिए। ये 15 ml की पैकेजिंग में ही सो हो रहा था तो मैंने इसी को ही मंगाया है, और 189 इसका प्राइस है। तो ये 24 month इसकी एक्सपायरी डेट है, तो 2 साल आपका इजीली चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और भी कंपनियों के आते हैं, लेकिन मुझे ये इस ब्रांड के ये अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही प्योर है और स्ट्रॉन्ग है और आपको बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे देते हैं। मेरे पास ये था, ये मैंने पिछले साल मंगाया था, 2018 में मंगाया था, इसके बाद ये मैंने अभी ही मंगाया है, 3 से 4 दिन ही हुए हैं, तो ये तो अभी फुल है। आपको यूज़ कैसे करना है, एक बार डे में करना है अपने कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र या लाइट जेल के साथ, ठीक है, और एक बार आपको नाइट में यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में एक ही यूज़ करना है, अगर आपके पास 2 हैं तो दोनों की एक एक ड्रॉप आपको लेनी है अपने मॉइस्चराइज़र में, इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। आपको इस तरीके से यूज़ करना है। सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन में मेलानिन को कम करता है, कंट्रोल करता है, जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस लुक में आ जाती है। साथ ही साथ जो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल होता है ये हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट पर बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ये ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, छिलकों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उससे इसको बनाया जाता है। ये बिल्कुल ही प्योर है, 100% प्योर है, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आपके जो डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है उसे धीरे धीरे लाइट करता है, बिल्कुल ही जैसे कि सीरम बहुत ज़्यादा पतली होती है, ऑयल होता है उसी तरीके का होता है, आपकी स्किन के अंदर जा कर के काम करता है। कोई भी क्रीम लगा रहे हो वो बाहर रहती है, ये क्रीम में मिक्स करके लगाया जाता है, ये इस आपकी स्किन के अंदर जा कर के काम करते हैं। एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है आजकल, वो इसीलिए क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर, जो कोई भी जड़ी बूटी यूज़ करते हैं उससे डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10% स्ट्रॉन्ग बेटर रिजल्ट देते हैं आपको एसेंशियल ऑयल, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्योर माने जाते हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको एसेंशियल ऑयल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।